गाइस देखिए, हमारी तो पूरी और खीर भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, तो मम्मी न्याज दिलाने वाली हैं, तो उसके बाद में हम खाएंगे। सबसे पहले न्याज दिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमने सुबह सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज ना सुबह सुबह अपना फ्री होकर फ्रेश होकर ना फ्री हो गए एकदम। तो आज ना मम्मी कुंडे की न्याज दिलवा रही हैं, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा बिजी था और मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, मैंने सोचा सबसे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो आज मम्मी कुंडों की नियाज दिला रही हैं और जो भी रहेगा पूरे दिन आप देखेंगे। कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ, यूनिक दिखाता रहूँ। तो अगर हाँ चैनल पर विजिट कर गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ न्यापी का ब्लॉग आ गया तो न्यापी के ब्लॉग को जाकर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी और मुझे भी। तो हाँ बने रहिएगा एंड तक और देख क्रिया कांत सिद्धि की ब्लॉग। तो हम तो लग गए हैं काम पे, गोला कस रहे हैं, और गोला कसते हुए ना गोला खाते में भी मज़ा आता है बहुत। तो न्याज का दिन है, ये लास्ट दिन है, तो आज मम्मी न्याज दिला रही हैं। मतलब दो दिन से कह रही हैं, मैं सामान ला के नहीं दिया, मतलब मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था वीडियो बनाने में, कल तो पूरा दिन ही बिजी गया। तो अब गोला कस रहे हैं, इसके बाद में बूरा मिलाएंगे और जो भी होगा देखेंगे। तो रमज़ान भी आने वाले हैं अगले महीने, रमज़ान की भी तैयारी करनी है, और जो भी होगा दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे भी मम्मी करती हैं दिखाऊंगा, और उसके बाद में फिर जाएंगे हम वीडियो शूट करने के लिए। तो सबसे पहले गोला कस लेते हैं और जो भी इसमें होगा वो करते हैं। तो मैं तो रमज़ान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सभी एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखने हैं हर बार की तरह, इस बार भी और तरावी भी नहीं छोड़ने। ये देखिए, हमने तो इसमें बूरा बूरा मिला लिया, और जो भी मम्मी मिलाएंगी इसमें और वो मम्मी मिला लेंगी, क्योंकि इसमें भी और ड्राई फ्रूट मिक्स होने हैं। तो वैसे मैंने बूरा और गोला को तो कर दिया, और जो भी होगा मम्मी कर लेंगी। देखिए मम्मी खीर भी रेडी कर रही हैं, और पूरियों का देखो मैदा सब आटा वगैरह सब भून के रख लिया है, और ये छोटे छोटे वो भी बना लिए हैं पेड़ा बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो सब चीज़ मम्मी जल्दी जल्दी रेडी कर रही हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी मम्मी कट कर रही हैं। देखिए खीर का फाइनल लुक, तो मम्मी ने ये एक डोंगे में जमा दिए, क्योंकि मम्मी को जल्दी से नियाज भी दिलानी है ना। तो ये देखिए खीर का फाइनल लुक, देखिए ये मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, मम्मी मुझे बेल बेल कर दे रही हैं, ऐसा देखो ऐसे बेल के दे रही हैं, और मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ। देखो ये रही मशीन, तो बन रही हैं। गाइस देखिए, हमारी तो पूरी और खीर भी रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, तो मम्मी न्याज दिलाने वाली हैं, तो उसके बाद में हम खाएंगे। सबसे पहले न्याज दिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। अब खाते हैं खीर पूरी, थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो खीर पूरी खाते हैं, उसके बाद में मम्मी खाना रेडी कर रही हैं। गाइस हमारा तो न्याज खाकर हो चुका है, मैंने तो न्याज खा लिया, और सदा पप्पी भी आने वाली है, और इन शप्पी का भी पता नहीं, क्योंकि इन शप्पी सेंसिटिव रहती हैं और थोड़ा उनको टाइम भी लगता है, देर भी लगती है। तो शायद है सदा पप्पी आएंगी, क्योंकि उनका फ़ोन भी आया था, तो सदा पप्पी आएंगे न्याज खाने। हमारा तो हो गया खाकर, और एक बार और खा लेंगे सदा पप्पी के साथ, चांद भाई भी आएंगे, तो मज़ा आ गया। खीर भी इतनी टेस्टी हो रही थी, और पूरी भी, क्योंकि मेहनत से बनाई है मम्मी ने, मैंने खीर वगैरह तो मम्मी ने बनाई है, बस पूरी मैंने मम्मी के साथ मिलकर बनाई है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया खाकर भी। तो मेहनत की बनी हुई चीज़ खाकर तो मज़ा ही आता है, तो हमने तो खा लिया। तो मिलते हैं आपसे बाद, वीडियो शूट करते हुए पागल हो गए सारे के सारे, बहुत तगड़ा मोमेंट था। देखो ये देखो, यहाँ पर बाइक पर शूट चल रहा था, तो शादाब भाई ने ऐसा सीन कर दिया कि बस हंसते हंसते लोटपोट हो गए सब। हम तो आ चुके हैं इन शप्पी घर, तो इन शप्पी घर आए रात में। कबीर इन शांति कहा गए आप? हानिया कैसे बैठी है? गुड्डा गुड्डा कैसे बैठा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है वापस, तो सुबह के बज रहे 11:30, और हम तो आज थोड़ा लेट उठे, और कबीर भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि कबीर की तबीयत ठीक नहीं थी, कबीर को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहा है ना, अभी मौसम गया है नहीं ठंडा, और इन्हें कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और जिद बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो तबीयत ठीक नहीं है कबीर की। कबीर भी स्कूल नहीं गया, तो अभी जो भी रहेगा वो रहेगा,
तो आप सभी को हमारा प्यार भरा सलाम, और बने रहिएगा एंड तक देखते रहिए अफगान जिंदगी व्लॉग। तो इंशाल्लाह भाई के घर आ चुके हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दो एक वीडियो हमने शूट भी कर लिया और अफगान भी आ गया, तो शूट करते हैं, मिलते हैं आपसे शूट करने के बाद। हम तो आ गए हैं मार्केट में और बैठे हैं गनी की कार में, तो खाना पीना मस्त हमारा हो चुका है, तो अब तो टाइम पास कर रहे हैं बैठे हुए गाड़ी में। तो शान भी पीछे बैठा है, मार्केट में मजे कर रहे हैं और खाना पीना तो हमारा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी कभी हम यहाँ पर बैठते हैं तो शहराज नवाज तो अभी नहीं आए, शहराज नवाज शायद घर होंगे, तो शहराज को कुछ काम भी था और मुझे मेरा भी याद आया शहराज के नाम से, क्योंकि उसने वीडियो एडिट के लिए बोला था, उसको वीडियो कुछ एडिट करनी थी और मैंने उसको कॉल नहीं की, मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं कल को देख लेंगे। तो फिलहाल मार्केट में बैठे हैं और मार्केट का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी मार्केट का व्यू, जो अभी सुनसान है पूरा, अभी तो सुनसान है मगर इतनी चहल पहल तो रात को 12, 12:30, 1 बजे तक रहती है। हमारे यहाँ तो 11 तो तूने बहुत कम कह दी, 12, 1 बजे तक, तो मैं क्योंकि 1 बजे तक तो मैं भी उठ के देख लूँ ना वीडियो अपलोड करने के बाद, जब ही सोऊं 1 बजे के बाद ही बात सोऊं मैं। क्या कर रहे हो तुम? मेरा बिस्तर बिछा रहे हो? अच्छा थैंक यू, मैं ये पे लेटूँ आज, तो हमारे तो फैन चलने लगे हैं, रात में मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो कबीर देखो मेरा बिस्तर बिछा रहा है, अंदर से गद्दा लेकर आ रहा है, कबीर जल्दी बिछाओ। थैंक यू कबीर, मेरा कबीर बहुत अच्छा है, कबीर देखो कैसे घूम रहा है। कबीर देखो अभी तक सोया नहीं तो डेली सो जाता है, 11 बज रहे हैं देखो और अभी तक सोया नहीं है, सुबह को स्कूल भी जाना है ना, जल्दी से पढ़ाई कर लो, फाइनल चल रहा है आपका, ठीक है ना। और अब बोल दो सबको गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह, ये बोलो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गौर से देखो इस बच्चे को, स्कूल जाने के नाम पर देखो कैसी आंखें नहीं खुल रही इसकी, मगर देखो पूरा रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, मगर आंखें नहीं खुल रही है, पूरा तैयार हो गया, देखो कैसे झूम रहा है, नींद तो है मगर और कुछ जानबूझ के भी आंखें नहीं खुल रहा, देख लो कितना नाटकबाज है बच्चा, है ना कबीर, कबीर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी चलते हैं वापस से शूट पर, तो शादाब जागाती भाई के घर चलते हैं, उसके बाद में मुझे मेरठ भी जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो कबीर रकीब और अली की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे तो कल आ रही है दिल्ली से इंचोली, क्योंकि शादी है तो वापस से शादी में बिजी हो जाएंगे, मगर 1-2 दिन रहेंगे ज़्यादा नहीं, तो फिलहाल चलते हैं शादाब जागाती भाई के घर, तो वहाँ पर 1-2 शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं और शादाब जागाती भाई के लिए भी वीडियो शूट करेंगे, तो शूट करने के बाद फ्री होकर फिर जाएंगे मेरठ, अगर हुआ तो कबीर को स्कूल से भी मैं ही लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद में मेरठ जाऊँगा, तो सबसे पहले चलते हैं क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं है अपलोड करने के लिए, तो चलते हैं मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। तो अभी गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा जाम है, बहुत बड़ा जाम है, मतलब आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, अब जाकर थोड़ा चला है और अभी पता नहीं कितनी दूर तक ये जाम होगा, लगी पड़ी है गाड़ियों की, इतना ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आधे से ज़्यादा तो पीछे ट्रैफिक छोड़कर आ गए हैं, बस आ गए मार्केट में, तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे कबीर और रकीब के लिए, बच्चों के कपड़े पसंद कर रहे हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा मूड ख़राब हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे जल्दी से पसंद नहीं आता है। हम तो निकल चुके हैं वापस घर के लिए और शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई है, कबीर के लिए कपड़े ले लिए, मैंने तो अपने लिए एक शर्ट ली है बस, कबीर रकीब के लिए अली के लिए कपड़े लिए और जा रहे हैं वापस घर, तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। तो हम तो यहाँ पर रुके हैं मिक्स जूस पीने के लिए, तो भाई बना रहे हैं उधर, भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि घर पर तो कुछ खा के आए नहीं थे, तो मिक्स जूस पी रहे हैं, शान का भी दिल कर रहा है, शान रोजेट फार्म पर,
तो यहाँ पर हम शूट करने वाले हैं शादाब भाई, एक बहुत ज़बरदस्त शूट करने वाले हैं, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो अभी यहाँ पर लोकेशन चेक कर रहे हैं कहाँ सही रहेगा। तो भी गाइस मैं तो आ चुका हूँ वापस घर, शूट करने के बाद सीधे घर आया हूँ और टाइम भी ज़्यादा हो गया था तो सोचा व्लॉग का हम एंड कर देंगे क्योंकि एडिटिंग भी करनी है और जल्दी जल्दी अब व्लॉग शूट करेंगे, जल्दी जल्दी अपलोड भी करना है, तो शादी में भी जाना है, तैयारी भी करनी है, प्रेस भी करनी है। तो फिलहाल आपने जो देखा आपने इंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हाँ व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।